हेलो रिवान, वेलकम बैक। आज हम परीक्षा में कुछ पूछे गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है कि हु टोर दिस बुक, तो यह पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसके रूल को जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, जब उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। हु टोर दिस बुक, इस पुस्तक को किसने फाड़ा। तो अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो चूंकि यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ लिख दिया गया हु। अब हमको लगाना होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया। तो ऑब्जेक्ट है दिस बुक और दिस बुक के अनुसार हमको सहायक क्रिया प्रयोग करना होगा। चूंकि यह पास्ट इंडिफिनिट है तो इसके अनुसार इसका सहायक क्रिया होगा वाज। ये हो गया वाज दिस बुक, ये हो गया। अब उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीयर का थर्ड फॉर्म होता है टी ओ आर एन। उसके बाद हमें लगाना होता है बाई और उसके बाद लगाना होता है जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होता है। तो चूंकि हमने यहाँ पे हु क्वेश्चन वर्ड है तो हु को लिख दिया, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। तो फिर बाई और सब्जेक्ट कहाँ से लाएँ, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यह ध्यान देना होता है कि जो हु होता है हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, यानी हु डब्ल्यू एच ओ सब्जेक्टिव केस होता है, और इसी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होम होता है, डब्ल्यू एच ओ एम होता है। तो चूंकि यहाँ जो हम प्रश्न पूछे हैं कि हु टोर दिस बुक, इस पुस्तक को किसने फाड़ा, तो हु का जब हम जवाब देंगे कि इस पुस्तक को राम ने फाड़ा, इस पुस्तक को तुमने फाड़ा, तब इसका जवाब आएगा। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हु को ही हम हुम में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसलिए हु हुम में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले हैं तो उसी ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाई लगाना होता है, तो इसीलिए इसके पहले हम बाई लगा देंगे। तो अब हो गया कि बाई होम वाइज दिस बुक टॉर्न, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद आते हैं अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि वाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, यानी वाट डज ही प्ले। यहाँ देखिए सहायक क्रिया है, यहाँ हो के बाद सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है तभी यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म आ गया है। अगर हु सब्जेक्ट नहीं होता तो हु के तुरंत बाद कोई ना कोई सहायक क्रिया आता और उसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आता, फिर वर्ब आता, लेकिन हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गया है। यहाँ देखिए वाट क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर यहाँ सब्जेक्ट आया हुआ है। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हो गया वाट। फिर हमको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही मिलता है। तो अब यहाँ देखिए क्रिया है प्ले, प्ले के बाद कोई ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अगर मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा तो क्या से प्रश्न पूछना होता है। जैसे मैं क्या पढ़ता हूँ, तो क्या का जो जवाब आएगा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी आई स्टडी अ बुक, चाहे आई रीड अ बुक, तो आई रीड अ बुक, तो रीड के बाद ऑब्जेक्ट आया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर इसका हमको क्वेश्चन पूछना होगा तो वाट डू आई स्टडी या वाट डू आई रीड, कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो उसके अनुसार जो वाट होता है यह हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इसलिए वाट के तुरंत बाद यही ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगेगा। तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया इज, क्योंकि वाट पता नहीं है सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो हमेशा इसको हम सिंगुलर नंबर में रखेंगे और उसके अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है खेलना, तो ये हो जाएगा प्ले, और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट ही है, तो ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हो जाएगा हिम और क्वेश्चन मार्क।
यानी व्हाट इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्या खेला जाता है। तो यह ध्यान देना है कि कभी भी जब अगर व्हाट आता है और व्हाट को अगर हमको पैसिव वॉइस में बदलना है वह एक्टिव वॉइस को, तो हमेशा व्हाट ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। कभी कभी व्हाट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी आता है तो उस समय व्हाट भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर देगा, उसके साथ आने वाला दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वह भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। अगला सेंटेंस है कि होम डू यू नॉट हेल्प, तुम किसकी मदद नहीं करते हो। होम डू यू नॉट हेल्प, तुम किसकी मदद नहीं करते हो। तो मैं राम की मदद नहीं करता हूँ, मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ, अगर इसका आंसर हो सकता है। तो अगर हमको सबसे पहले अगर होम लगाना होता है तो अगर लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड होम हो गया तो होम लिख देंगे। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो चूंकि सब्जेक्ट है तो हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद ही मिलेगा, तो क्रिया के बाद पुनः कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम किसकी मदद नहीं करते हो, तो मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ, तो फिर जो यह होम है यह ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो उस होम को अभी बताया गया है कि हु सब्जेक्टिव केस होता है और होम का हु सब्जेक्टिव केस और हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ होम आया है तो यह ऑब्जेक्ट है और इसको जैसे ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यह हो जाएगा हु। अब टेंस में चलते हैं, तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब पता ही नहीं है कि हो सिंगुलर नंबर में प्रयोग है कि प्लूरल नंबर में, तो इसके अनुसार सिंगुलर नंबर में हम प्रयोग करेंगे क्योंकि यह अज्ञात है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसके अनुसार यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो हु इज नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ नॉट लगा देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। उसके बाद बाई, क्योंकि सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे यू, तो अब बाई के बाद हमको लगाना है यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु इज नॉट हेल्प्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा किसकी मदद नहीं की जाती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि समवन स्टोल माई बुक, माई न्यू बुक, किसी ने मेरा नया पुस्तक चुरा लिया, यानी समवन स्टोल माई न्यू बुक, किसी ने मेरी नई पुस्तक चुरा ली। इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब यह सबसे पहले टेंस देखेंगे, तो यह पास्ट इंडिफिनिट है कि समवन सब्जेक्ट हो गया स्टोल, तो स्टोल क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है और वह पास्ट इंडिफिनिट में आता है। फिर माई बुक, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ है ऑब्जेक्ट माई न्यू बुक, तो यहाँ हो गया माई, ये हो गया न्यू बुक। उसके बाद टेंस देखेंगे, अगर टेंस यह पास्ट इंडिफिनिट है पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका सहायक क्रिया लगाएंगे, तो बुक सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ वाज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है स्टोल, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलेन, STOLEN। उसके बाद बाई, और हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। तो अब यहाँ जो समवन है यह डिफिनिट नहीं है, यह इनडिफिनिट प्रोनाउन है, पता ही नहीं है किसने चुराया है। तो यहाँ दे रहा है कि किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, तो बाई किसके द्वारा लगाया जाए, कि माई बुक वाज स्टोलेन बाई समवन, कि मेरी पुस्तक किसी के द्वारा चुरा ली गई। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को लिखना आवश्यक नहीं होता है। आप कहेंगे किसको आवश्यक नहीं होता है, तो जो भी इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसको हम बाई के बाद मेंशन नहीं करते हैं। तो केवल इतना से ही हो जाएगा कि माई न्यू बुक वाज स्टोलेन, कि मेरी नई पुस्तक चुरा ली गई। अगला सेंटेंस है कि दे विल इनवाइट हर, कि वे उसको आमंत्रित करेंगे, इसका पैसिव बनाते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा, तो यहाँ हर, तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा शी। अब टेंस में चलते हैं, तो टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो सी के साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किसी भी मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट का इनवाइटेड कर देंगे। उसके बाद लिखते हैं बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट दे है, तो दे को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो ये हो जाएगा देम, कि शी विल बी इन्वाइटेड बाई देम, कि उसका उस उन लोगों के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। अगला सेंटेंस है कि योर मदर इज टीचिंग यू, तुम्हारी माता जी तुम्हें पढ़ा रही हैं, तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है,
क्रिया के तुरंत बाद यू आया हुआ है। जैसे ही इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे ए पैसिव वॉइस में, तो यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो चूंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो इसलिए यह यू हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया अब आर लग जाएगा। नेगेटिव नहीं है, इसलिए वर्ब थर्ड बीइंग लग जाएगा, क्योंकि पैसिव लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा उसके सहायक क्रिया के बाद बीइंग लगता है, यानी इस आईएनजी के जगह पे। तो यू आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म यानी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा टॉट। उसके बाद बाई, और जो सब्जेक्ट योर मदर है यहाँ लिख देंगे योर मदर, ये हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वी सहायक क्रिया के रूप में यानी मॉडल प्रयोग किया गया है मस्ट, उसके बाद वर्ब हेल्प द पुअर। इसका हमको जब पैसिव बनाएंगे तो पुनः रूल वही है कि हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर, ये हो गया। अब पुअर के बाद हमको इस मस्ट, चूँकि यह मॉडल है तो मस्ट में हमेशा सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ वही मॉडल लगता है, तो यह मस्ट जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। और किसी भी मॉडल को जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो मॉडल के तुरंत बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हेल्प, तो हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है वह हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद हो जाएगा बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यहाँ अस हो जाएगा। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई अस, कि गरीबों की मदद हमारे द्वारा की जानी चाहिए। फिर अगला सेंटेंस कि देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे दिया है कि देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, यह इन्फिनिटिव से रिलेट कर रहा है। देखिए देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, अब अगर इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, तो देयर इज अ क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल यहाँ से परिवर्तन होगा, टू के बाद बी लगा देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी देयर इज अ क्वेश्चन कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे उतार देंगे, टू के बाद केवल बी लगा देंगे, यानी जो भी इन्फिनेटिव का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू के बाद हमेशा हम बी और जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ जैसे होगा तो ये हो जाएगा कि देयर इज अ क्वेश्चन, ये हो गया कि देयर इज अ क्वेश्चन, और उसके बाद जो अब हमारा यह इन्फिनेटिव है इसके लिए टू, और टू के तुरंत बाद हम बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का यहाँ कर देंगे सॉल्व्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि ही डिड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, यह पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस का जो भी यहाँ रूल होगा उसके अनुसार बदलेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं वाज वर्ब। तो अब सबसे पहले हमको क्रिया के बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, ऑब्जेक्ट है माय प्रॉब्लम, तो जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ये हो जाएगा माय प्रॉब्लम, ये हो गया। माय प्रॉब्लम केवल दिख रहा है सिंगुलर नंबर में है और यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट का सहायक क्रिया वाज या वर, तो प्रॉब्लम के अनुसार सहायक क्रिया यहाँ वाज हो जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म तो सॉल्व है, सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड, और उसके बाद हमको बाई और सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे बाई और ये हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार से यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्टिव वॉइस थे हमने उसको पैसिव वॉइस में बदला। तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए।